ज्योति जी। इनका वास्तविक नाम था क्षीरोद रंजन दत्तराय। इनसे मेरा संसर्ग बहुत दिनों लगभग 20 वर्ष तक रहा, कुछ दिन लगातार, फिर बीच बीच में। ये बहुत विलक्षण पुरुष थे, गृहस्थ आश्रम में रहते थे, सभी प्रकार के आडंबरों से सोने। थोड़ी आयु में ही इन्हें किसी महापुरुष की कृपा प्राप्त हो गई थी। उनकी सहायता से इन्हें स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से विश्व भ्रमण की सामर्थ्य मिल गई थी। इसी अवस्था में इन्होंने लोकांतर में जाकर बहुत ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया था। ये बहुत विचित्र प्रकृति के महात्मा थे। इनका विश्वास था कि पूर्ण वस्तु का साक्षात्कार अभी तक जगत में किसी को नहीं हुआ। सिद्धावस्था तथा महासिद्धावस्था व्यक्तिगत अवस्थाएं हैं। पूर्ण वस्तु का साक्षात्कार हो जाने पर व्यष्टि समष्टि का प्रश्न नहीं रहता, जगत का स्वरूप ही बदल जाता है। एक व्यक्ति की प्राप्ति से सबकी प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। इन्होंने ध्रुव लोक में जाकर भक्त ध्रुव से बहुत कुछ प्राप्त किया था। इसी प्रकार कई अन्य लोकों से भी इन्होंने नाना प्रकार ज्ञानोपार्जन किया था। इनकी अपनी शक्ति भी असाधारण थी और अनुभव अत्यंत व्यापक। ये कहा करते थे कि भगवत दर्शन के संबंध में लोगों में बहुत भ्रांत धारणाएं फैली हुई है। किसी देव, देवी, ज्योति या शून्य का दर्शन भगवत दर्शन नहीं है। एक दिन प्रसंगवश इन्होंने बताया कि जिस महापुरुष की कृपा इन्हें प्राप्त हुई थी, उन्होंने इनको भगवत दर्शन का कुछ आभास प्रत्यक्ष दिखाया था। उस समय ये बालक थे। आसाम में सिलहट जिले के मौलवी बाजार में इनका ननिहाल था। वहां काली माता का एक मंदिर था, जिसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वहां एक महापुरुष आए। उनकी भजन कीर्तन में बड़ी निष्ठा थी। धीरे धीरे वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। एक दिन ये भी गए। समागत महापुरुष अत्यंत लौकिक शक्ति संपन्न थे। साधारण लोग उनको पहचान नहीं सकते थे। उन्हें संगीत से प्रेम था। एक दिन संध्या के बाद कीर्तन गान समाप्त हो जाने पर जब सब अपने अपने घर चले गए, तब बाबा जी ने इन्हें ठहरने को कहा। उस समय ज्योति जी ने उनसे पूछा, महाराज, मेरी इच्छा भगवत दर्शन की है, वो हो सकता है या नहीं? महात्मा ने कहा, भगवत दर्शन का स्वरूप ज्ञान तुम्हें नहीं है। तुम समझते हो नारायण, शंकर आदि के दर्शन से भगवत दर्शन होता है, ऐसी बात नहीं है। भगवत दर्शन का लक्षण यही है कि जब सचमुच व्यक्ति को भगवत दर्शन होता है, तो उसके साथ ही सर्व जगत को होने लगता है। यह कहकर महात्मा ने मंदिर के आंगन में एक स्थान पर स्वयं बैठकर ज्योति जी को अपने सामने बैठाया और कहा कि तुम शांत होकर चुप रह जाओ, फिर देखो क्या होता है। ये सामने आसन पर बैठ गए। कुछ समय बाद देखा कि विद्युत की भांति एक अद्भुत तेजपूर्ण स्निग्ध शक्ति प्रकट होकर इनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। इसके साथ ही इस बालक की दृष्टि में विशाल परिवर्तन संघटित हुआ। ये अनुभव करने लगी कि मैं ही सर्वत्र हूं। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, मनुष्य, जहां जो कुछ है। दृष्टि सब पर पड़ती थी, किंतु अनुभव होता था कि वह सब मैं ही हूं। इसी को शास्त्र में सर्वात्म भाव कहते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि ये उसे सहन नहीं कर सकते। महात्मा ने शक्ति खींच ली और कहा, इसके परिपुष्ट होने पर समग्र विश्व में स्वयं को ही सर्वत्र देखने लगोगे, अपने को ही सभी जगह व्याप्त पाओगे। इसके बाद ज्योति जी
लौकिक शक्ति से समन्वित होकर हिमालय की कंदरा में सूक्ष्म शरीर से गए और अपने आश्रमादि देखाए। ये कहा करते थे कि समग्र विश्व ब्रह्मांड घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, समाधि में मग्न होकर डूब जाना बड़ी बात नहीं है, मन का निरोध कर उसको फिर उत्थित न होने देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन सबसे पूर्ण सत्य का साक्षात्कार होता नहीं। इनका सिद्धांत था कि मन को नाश या निरोध करना ठीक नहीं, उसे अपने अधीन करके रखना श्रेयस्कर होता है। ज्योति जी अपने काशीवास की प्रारंभिक अवस्था में कुछ महीने तक हमारे साथ रहे थे। नाना विषयों में उनसे अंतरंग संबंध इसी से संभव हुआ। इन्होंने मुझसे अपने एक और जन्म धारण करने की बात कही थी। कहां होगा, कब होगा, यह भी बताया था। तो जिस पुस्तक से मैं आपको ये बातें बता रहा हूं उसमें यहीं तक दिया गया है, तो आगे खोज का विषय है और आगे मैं और ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी ज्ञान नहीं है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो श्री गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तकें पढ़ें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कुछ पुस्तकों के लिंक, और भी बुक आपको अमेजन पे मिल जाएंगे और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया है गोपीनाथ कविराज जी का, वो जितने भी संतों से मिले थे मैंने उन पर भी छोटी छोटी जीवनी बनाई है, उन्होंने क्या बताया है उनके बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, तो उसे भी आप अवश्य सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।